हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर नरेश मेनारिया और आज हम पढ़ने वाले हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक और नाम भी है, इसे हम फूरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, किसी भी फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमें उस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है ई की पावर आयोटा पी एक्स से, और उसको कर देना है इंटीग्रेट ई टू दी पावर आयोटा पी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन में लिमिट लगानी है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, बाहर यूज करेंगे कांस्टेंट 1/√2π और इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो किसी भी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए उसको ई टू दी पावर आयोटा पी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। इसको हम एक नोटेशन भी है और वो है एफ बार पी, ये नोटेशन है फूरियर ट्रांसफॉर्म का। तो इस नोटेशन से हम फूरियर ट्रांसफॉर्म को शो करते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है फूरियर ट्रांसफॉर्म की। फूरियर ट्रांसफॉर्म इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म भी हम फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म सिंपल स्टूडेंट, क्या करना है हमें, एफ ऑफ एक्स को बाहर लेके आना है और एफ बार पी को अंदर लेके जाना है। तो एफ ऑफ एक्स जब बाहर आ जाएगा, बाकी टर्म जो है कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेंगे, जैसे कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए टू दी पावर आयोटा पी एक्स, ये एफ बार पी अंदर आ जाएगा। और हम एक बात और ध्यान रखनी है, हमें विद रेस्पेक्ट टू पी इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर, ये तो ये हो जाएगा हमारा इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए स्टूडेंट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, हमारे पास एक फंक्शन है स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स, वो कुछ इस तरीके से है, 1 और 0 फंक्शन की दो वैल्यू है। मॉड एक्स जब लेस देन इक्वल्स टू ए है तो फंक्शन 1 है, और मॉड एक्स जब लेस देन जब ग्रेटर देन ए है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। स्टूडेंट यहां पर फंक्शन की दो वैल्यू है 1 और 0। 1 कब है, जब मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए है, अदरवाइज वो 0 है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस लिमिट का मतलब क्या है। इस लिमिट का ये मतलब है, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए का मतलब है हमारा जो एक्स है वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में है, ये इसका मीनिंग है। मैं फिर से लिख देता हूं एक बार इसको, इसका मीनिंग है कि हमारा जो एक्स है वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में है। और ये कब है, जब फंक्शन की वैल्यू 1 है, इसके अलावा जो भी जहां पे भी एक्स डिफाइन है वो 0 है। तो यहां पर हम इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो हम सबसे पहले यूज में लेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। फॉर्मूला हमारे पास है 1/√2π इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ए टू दी पावर आयोटा पी एक्स एफ ऑफ एक्स डीएक्स। फॉर्मूला मैंने एज इट इज लिख दिया स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मूला। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं। देखो यहां पर जो लिमिट है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यहां पे हम इस लिमिट को तोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो इस लिमिट पर डिफाइन है। इस लिमिट को कैसे हम तोड़ सकते हैं, देखें स्टूडेंट यहां पर ये माइनस इंफिनिटी है और ये प्लस इंफिनिटी है, ये माइनस ए मान सकते हो, ये इसको प्लस ए लिख सकते हो। स्टूडेंट आप देखें यहां पर हमारा जो फंक्शन है माइनस ए से ए जब होता है तब फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, यहां पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, 1। अदरवाइज जहां पे भी फंक्शन डिफाइन है वो 0 है, तो यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है। तो इस पूरी लिमिट को हम स्प्लिट करके कैसे ले सकते हैं स्टूडेंट, हम ले सकते हैं इसको 1/√2π, तो बाहर आ जाएगा। यहां पर फर्स्ट लिमिट है माइनस इंफिनिटी से माइनस ए, ये वाली ई टू दी पावर आयोटा पी एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहां पर 0 है इंटू 0 dx, प्लस नेक्स्ट लिमिट है माइनस ए से प्लस ए, यहां पर फंक्शन की वैल्यू 1 है तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम पुट कर देंगे 1, ये 1 इंटू 1। नेक्स्ट जो लिमिट है वो प्लस ए से लेकर प्लस इंफिनिटी तक है ए टू दी पावर आयोटा पी एक्स, और फंक्शन की वैल्यू यहां पर क्या है, एफ ऑफ एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे। तो हमने इसके लिमिट के 3 पार्ट कर लिए, माइनस इंफिनिटी से माइनस ए, यहां पर फंक्शन 0 है, माइनस ए से ए, यहां फंक्शन 1 है, और ए से इंफिनिटी, यहां फंक्शन 0 है। तो ये 0 और 0 हो जाएगा, सिर्फ मिडिल टर्म ही हमारे पास बचेगी, वो क्या बचेगी, हमारे पास टर्म बचेगी सिर्फ ये माइनस ए से ए
e टू दी पावर आयोटा पी एक्स डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन e की पावर आयोटा पी एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर आयोटा पी एक्स, और क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो कॉफिशियंट जो है x के साथ में वो नीचे आ जाएंगे और लिमिट ये रहेगी हमारे पास। अब हम पुट करते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट का कंसेप्ट, यहां पर अपर लिमिट पुट करें यहां पर x की जगह और लोअर लिमिट पुट करें तो क्या हो जाएगा, इस p को हम बाहर ले देते हैं एक बार, वन अपॉन पी ये बाहर आ जाएगा, आयोटा को अंदर रहने देते हैं। अपर लिमिट टू दी पावर पी ए माइनस लोअर लिमिट टू दी पावर माइनस आयोटा पी ए। यहां पर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये जो है यहां पे अगर टू और लिखा हुआ होता तो ये साइन ए एक्स का फॉर्मूला बन जाता, ई टू दी पावर आयोटा पी ए माइनस ई टू दी पावर माइनस आयोटा पी ए पॉन टू आयोटा इज होता है साइन पी ए। तो क्यों ना हम यहां पर टू का मल्टी डिवाइड कर दें और टू का मल्टीप्लाई ऊपर कर दें, तो उससे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पर टू आएगा ऊपर अंडर रूट टू पाई पी, और ये 2 ऊपर आया 2 नीचे आएगा, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, साइन पी ए का। तो ये हमारा हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो जब एफ ऑफ एक्स ये होता है यहां पर इस तरीके से डिफाइन होता है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2 साइन पी ए अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटू पी, ये होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट जो टॉपिक रहेगा क्लास में वो रहेगा फूरियर कोस ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। हम उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नरेश मिनारिया। थैंक यू वेरी मच।